वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त हकीम फरहान ख़ान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक फ़िटनेस सेंटर में तो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे और मेरे बताए नुस्खों से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा वीडियो है हमारा टॉपिक है अल्लाह का शुक्र मेरे बाकी नुस्खों से इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि सर कॉल कर, कर कर के करके का शुक्र बता रहे हैं कि सर आपके नुस्खे से पंद्रह एक दिन के अंदर हमें बहुत सुकून मिल जाता है मेरे जितने ही नुस्खे मैं बताता हूँ वो चाहे एक ही टॉपिक के ऊपर होते हैं लेकिन क्या होता है कोई इंसान कोई सी वीडियो देखता है हर इंसान पूरी वीडियो नहीं देख पाता किसी के सामने वीडियो आ पाती है किसी के सामने नहीं आ पाती किसी को कौन सा नुस्खा लग जाता है किसी को दूसरा नुस्खा ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है तो इसलिए मैं मुख्तलफ इसमें नुस्खे बताता हूँ ताकि आप अपने नुस्खों को आराम से बना सकें आपको ये अच्छा लगे वो अच्छा लगे जो भी अच्छा लगे आप उसमें सेलेक्ट करके बना सकें नुस्खे सारे अलमदिल्ला मेरे कारगर होते हैं सारे नुस्खे आज़माए हुए होते हैं चाहे मैं उन्हें किताब में से नुस्खों को आपको देख के बताऊँ चाहे मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में से बताऊं तो इसमें क्या होता है जो नुस्खे मैंने आज़माए हैं आपको मैं वही नुस्खे बताता हूं लोग कहते हैं कि आप किताब में से आपने ये वाला नुस्खा बताया है तो इसमें आपने आज़माया है नहीं है मैं आजमाऊंगा तभी आपको बताऊंगा वरना मैं नहीं बताऊंगा तो दोस्तों आज का जो हमारा नुस्खा है ये उन हजरात के लिए है जैसे मर्दों में कमज़ोरी आ जाती है कमज़ोरी के साथ अपने पार्टनर के पास जाने से पहले ही वो खारिज हो जाते हैं उनका पार्टनर उनको ये कहता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है जोश ताकत नहीं है तो उसको हम किस तरह से भरपूर बनाएंगे और एक वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए ताकि वो पहले फारिग हो जाए और आप बाद में फारिग हों इस तरह का नुस्खा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ अल्लाह का शुक्र इसमें बहुत ज़्यादा शिफ़ा है आप इसको बनाएं इस्तेमाल करें और मुझे अल्लाह का शुक्र अपनी दुआएं ज़रूर देते रहें तो चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ़ नुस्खा आपके स्क्रीन पे सबसे पहले इसमें लेना है बहमन सुर्ख चालीस ग्राम बेहमन सफ़ेद चालीस ग्राम और सालब मिश्री तीस ग्राम भांग के बीज दस ग्राम सालब पंजा तीस ग्राम जायफल बीस ग्राम सौठ बीस ग्राम नागर मोथा बीस ग्राम कुलंजान पान की जड़ जो होती है कुलंजान दस ग्राम अकरकरा बीस ग्राम कुस्ता सहदाता दस ग्राम कुस्ता कलई दस ग्राम कुस्ता चांदी दस ग्राम जाफरान दस ग्राम यह आपका नुस्खा हो जाता है तैयार पूरी तरह से इस नुस्ख़े को आपको बना के सारी चीज़ें को जो कुे हैं ये भँस में होती हैं इनको अलग रखिए बाकी सारे और ये कुस्ते अगर आप किसी हकीम से बने हुए लेके आएँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो बाज़ार में मिलते हैं उनमें नुस्खों में, में कुस्तों में इतनी ताकत नहीं होती अगर आप किसी हकीम से बने हुए लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वो नुस्खे होते हैं बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है तो इन सब कुतों को एक तरफ करने के बाद सारी जड़ी बूटियों को पीस कूट के आपने पाउडर बनाना है पाउडर बनाने के बाद आप उसको छान लें बारिक पाउडर जो निकल जाएगा वो आपकी दवा तैयार हो जाती है उसमें सारी भस्में जितने कुस्ते हैं ये सब मिला के मिक्स अच्छे से कर दीजिएगा मिक्स करने के बाद में आपने आधा चम्मच सुबह और नाश्ता करने के पौन घंटे के एक घंटे के बाद आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद में एक गिलास दूध से गुनगुने दूध से और आधा चम्मच रात को सोते टाइम यह आपने दवा कम से कम दो ढाई महीना इस्तेमाल करनी है और दोस्तों इसका वो गज़ब का रिजल्ट आएगा कि जिनका सामान ऐसे हो गया है दोस्तों हर वक्त ऐसे रहा करेगा मजबूती आ जाएगी जिनको कड़क पनाने पे पानी की शिकायत होती है वो भी खत्म हो जाएगी यानी कि चिपचि पानी का जो मसला है ये उसका उसके लिए भी है बाकी जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप पूरे टाइम फ़ोन नहीं उठा पाते आप नंबर देते हैं तो मेरे भाई मेरी थोड़ी मसरूफियात हो जाती है अगर मैं एक घंटे के लिए भी किसी काम के लिए गया हूँ तो उसके अंदर कई सौ फ़ोन आ जाते हैं तो अब कई सौ लोग ये समझेंगे कि फ़रहन भाई फ़ोन नहीं उठा रहे बस थोड़ा टाइम आगे पीछे आप कॉल कर लिया करें एक दो घंटे आगे पीछे करके इन बात हो जाएगी तो दोस्तों बाकी नंबर मैंने अपना दे रखा है कॉल पूरी तरह से सबकी नहीं उठा पाता हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और अपना ख्याल रखें अपने गलत कामों से थोड़ा सा बचें अपने आपको बचा के रखें इनशाला आपको अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ अल्लाह हाफिज